अब देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में। रेडियो फ्रिक्वेंसी भी हम लोग वायरलेस मीडिया के अंदर ही यूज करते हैं, जैसे इससे पहले हमने वायरलेस मीडिया ही पढ़ रहे हैं। अब इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, जैसे कि 3 किलो हर्ट्ज से कम की जो रेंज होती है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर यूज आती है। 10 से 100 किलोमीटर के लिए हम VLF का यूज करते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी 3 से 30 किलो हर्ट्ज की होती है। इसी तरह से 1 मीटर से 10 किलोमीटर के लिए 300 से 300 किलो हर्ट्ज का यूज करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी। इसी तरह से मीडियम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, SHF, UHF, VHF और EHF, ये सब इसके फुल फॉर्म हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। और अब अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर रेडियो वेव का यूज कहाँ लिया जाता है, तो मल्टीकास्टिंग के लिए, जैसे एक सेंडर एक से ज़्यादा रिसीवर को अगर डेटा भेजना चाहता है तब हम इसका उपयोग लेते हैं। दूसरा, FM रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर, कोडलेस फोन के अंदर भी हम लोग रेडियो वेव का यूज करते हैं। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क या मोबाइल सेलुलर जो फोन है वहां पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है, वॉल को भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट से इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से हाई ट्रांसमिशन रेट होती है, सस्ता पड़ता है, फास्ट होता है, और आप रेडार के द्वारा इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, वॉर के अंदर इसका यूज लिया जाता है। नुकसान की अगर हम बात करें तो रेडियो स्पेक्ट्रम जो होता है लिमिटेड होता है, और अगर आप ज़्यादा पावरफुल सिग्नल का यूज करना चाहते हैं तो आपको पैराबोलिक एंटीना की जरूरत पड़ती है। बैंडविड्थ भी इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है ब्रॉडबैंड यूज के लिए। तो ये था सारा कंप्लीट रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में।